हम इनको गैस कटर से इन गेट्स को काटेंगे ताकि ये गेट्स खुल जाएं, तो फिर जो पानी है और ज्यादा गति से जो है दिल्ली से बाहर निकल पाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि आईटीओ ब्रिज के बैराज के जो 5 गेट जाम हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी नहीं निकल रहा, गेटों को खोलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर वो नहीं खुलते हैं तो उन्हें गैस कटर से काट दिया जाएगा ताकि पानी जल्द से जल्द निकल सके। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो 5 गेट जैम हैं, इनको खोलने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं, क्योंकि इन गेट्स के चारों तरफ बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हो गई है। तो सिल्ट को निकालने के लिए हमने अभी कंप्रेसर मंगवाया है जो हमारे कोंडली प्लांट पे है, और एक बार वो सिल्ट हटा ली जाएगी तो फिर इन गेट्स को पुल करने की कोशिश करेंगे कि हमें गेट खुले, और अगर फिर भी नहीं खुले तो हम इनको गैस कटर से इन गेट्स को काटेंगे ताकि ये गेट्स खुल जाएं, तो फिर जो पानी है और ज़्यादा गति से जो है दिल्ली से बाहर निकल पाएगा और दिल्ली में जो है इसका जो है काफ़ी जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि हथनी कुंड बैराज से पानी के बहाव से दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच हरियाणा के शिक्षा मंत्री कुंवर पाल ने गुरुवार को कहा कि बैराज से अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ने से बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब बाढ़ या भारी बारिश होती है और हम बैराज से अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ते तो इससे बड़ी क्षति हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि हमारे राज्य में भी देखा गया है कि पानी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम पानी रोकेंगे तो स्थिति विनाशकारी हो सकती है।